किसी भी तालाब या डैम से सुखान या छोटी मछली निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रायसेन जिले के सबसे बड़े बारना डैम में इसकी कालाबाजारी नहीं रुक रही है। जानकारी के मुताबिक बारना डैम से मत्स्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है, या जहां छोटी मछली सेंतुरी क्षेत्र से निकाली जा रही है और मत्स्य विभाग कालाबाजारी को देख मुख दर्शक बना हुआ है। यूं तो वरना डैम रायसेन जिले का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले डैम का मछली निकालने का ठेका कई करोड़ रुपए में दिया जाता है। वहीं रसूखदार ठेकेदार की तरफ से सेंचुरी क्षेत्र से छोटी मछली निकाली जा रही है। आपने शिकायत किया था कुछ दिन पहले और शिकायत की जांच के लिए हमने वहां पर पदस्थ अपने स्टाफ को निर्देशित किया था। उन्होंने जाकर के उसी दिन चारों तरफ घूमा था और ऐसा बताया था कि ऐसी संभावना है कि वहां जो फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया है, लगभग 1700 हेक्टेयर का रिजर्व एरिया है उस डैम के अंदर, उसमें शायद कुछ गतिविधियां संचालित हो रही थी। और फॉरेस्ट के स्टाफ के साथ हमारे आदमी ने उसमें जांच किया जा करके, पूरा घूम करके देखा, फिर हमको ऐसा बताया कि कोई ऐसी गतिविधियां उसके सामने नहीं आई। आधे से थोड़ा कम है उसमें जो आपका फॉरेस्ट का, उस एरिए में अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं और उसकी जाँच के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक यहां की टीम जा करके और देखे। मैं अतिशीघ्र जो है एक टीम उस काम के लिए भेजूँ।